ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। प्रिंस चार्ल्स अब वहां के राजा बन चुके हैं। 96 साल की एलिजाबेथ द्वितीय को उनके स्कॉटलैंड में बोलमोरल कैसल स्थित आवास पर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। बकिंघम प्लेस की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में आपको बता दें कि करीब 7 दशक से क्वीन एलिजाबेथ शाही परिवार और ब्रिटेन की रियासत को संभाल रही थी। आइए एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नज़र डालते हैं। एलिजाबेथ यॉर्क के ड्यूक प्रिंस अल्बर्ट और उनकी पत्नी लेडी एलिजाबेथ बोवेश लियोन की बड़ी बेटी थी। एलिजाबेथ का 21 अप्रैल 1926 को जन्म हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम था एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी विंडसर था। क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी पढ़ाई घर में ही पूरी की थी। 1947 में उन्होंने एक नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट फिलिप माउंटबेटन, एक दूर के चचेरे भाई से शादी की। फिलिप ग्रीस के राजकुमार एंड्रयू के बेटे और महारानी विक्टोरिया के परपोते थे। 1948 में दोनों से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम प्रिंस चार्ल्स पड़ा। इसके ठीक 2 साल बाद बेटी पैदा हुई जो आगे चलकर राजकुमारी एनी बनी। शादी के करीब 5 साल बाद यानी साल 1952 में प्रिंस एलिजाबेथ केन्या के दौरे पर गए थे, लेकिन केन्या के इसी दौरे के दौरान उनके जीवन का सब कुछ बदल गया। लंबे वक्त से बीमार चल रहे एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज का निधन हो गया। एलिजाबेथ केन्या में ही थी। पिता की मौत की खबर मिलने के बाद एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप अपनी छुट्टियों को बीच में रद्द कर ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए। पिता की मौत के बाद ये साफ हो गया था कि ब्रिटेन को अब नई महारानी मिलने वाली है। इसके बाद 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी नियुक्त हुई। 2 जून 1953 को उनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की उम्र केवल 25 साल थी जब उनको ब्रिटेन की गद्दी सौंपी गई। तब से लेकर अभी तक वो करीब 7 दशक से इस गद्दी पर काबिज थी। ब्रिटेन की सत्ता संभालने वाली सबसे उम्रदराज महिला भी थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भारत का दौरा भी किया था। वे 3 बार भारत दौरे पर आई थी। महारानी एलिजाबेथ ने 1961, 1983 और 1997 में भारत का दौरा किया था, लेकिन भारत की आज़ादी के करीब 15 साल बाद उनकी पहली यात्रा सबसे शानदार थी। भारत पहुंचने के बाद एलिजाबेथ उस स्थान पर भी गई थी जहां महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी सैंडल को निकालकर अंदर प्रवेश किया था। प्रिंस फिलिप ने भी ठीक ऐसा ही किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की भारत की यह पहली शाही यात्रा थी। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर शाही जोड़े की आगवानी की थी। भारत के दौरे के बाद महारानी ने पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान का दौरा भी किया था। वो जहाँ भी जाती थी उनकी झलक पाने के लिए लोगों की एक लाइन लग जाती थी।